जब आएगी ना क़यामत, तो इज़राइल सारी दुनिया को चुनेंगे, सबसे आखिर में शैतान बाकी बच जाएगा, सबको मौत आ जाएगी, शैतान बच जाएगा। अब शैतान देखेगा ना मलकुल मौत को तो ज़मीन में गोता लगाएगा और दूसरी तरफ से जा निकलेगा, तो आगे मलकुल मौत खड़ा होगा, फिर वहाँ से गोता लगाएगा इधर से जा निकलेगा, वहाँ मलकुल मौत खड़ा होगा, वहाँ से गोता लगाएगा इधर निकलेगा, वहाँ मलकुल मौत खड़ा होगा, चारों पास से जिधर भी गया आगे मलकुल मौत, तो कहेगा मुझे कहाँ ले जाओगे, कायला उम्म कल हाविया, अब तुझे जहन्नुम में ले जाऊंगा और तेरा क्या ठिकाना है। और एक हदीस और याद आ गई बड़े मुद्दत के बाद, एक रात ऐसी आएगी जो तीन रात के बराबर होगी, और लोग इंतहाई खौफ का शिकार, रात जा ही नहीं रही, यानी 9 घंटे की रात 27 घंटे हो जाएगी, तो दहशत छा जाएगी। तो तीन रातों के वक्त के बाद सूरज मगरिब से निकलेगा, जो मेरे नबी ने फरमाया कि मालम तत्शम्स में मगरब है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। तो मगरिब से सूरज निकलेगा और जैसे इशराक का सूरज होता है इतना निकल के फिर गुरूब होकर फिर मशरक से निकलेगा। तो जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो शैतान सजदे में गिरेगा, कहेगा या अल्लाह आज जैन तो मर्जी आँखें मैं सजदा करण से तैयार। तो उसके शतुंगड़े इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे उस्ताद जी ये क्या किस्सा है, आज तक हमने ये किस्सा तो कहीं देखा नहीं आपका, तो आज क्या कर रहे हैं। कहा ये सूरज मगरब से आ गया, ये मेरी मौत का ऐलान है, तो आज मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह जिसे भी कहे मैं सजदा करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे नबी का फरमान है जब सूरज मगरब से निकलेगा फिर किसी की तौबा कबूल नहीं है। और एक अजीब रिवायत है वो भी आज बड़े अरसे बाद याद आई, शैतान को अल्लाह जहन्नम से निकालेगा और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालेगा और कहेगा एक दफ़ा सजदा कर दे जन्नत में डाल दूंगा, कहेगा ये काम ना पहले कीता ना हुन करना, अल्लाह फिर उसे जहन्नम में डाल देगा। तो मेरे भाइयों मैंने एक अजीब सी तमहीद बयान की, आप सोच रहे होंगे ये मौली साहब क्या भूल भुलैया कह रहा है, शैतान से जंग उसके लिए अल्लाह ने हमें मुसल्लह किया, कि शैतान से जंग कोई कलाशंकोफ से तो है नहीं, एटम बम से भी वो नहीं मरेगा, तोपों से भी नहीं मरेगा, हमारी बददुआओं से भी नहीं मरेगा, तो शैतान से जंग है आमाल के ज़रिए, आमाल, और आमाल में सबसे बड़ा जो हथियार है शैतान के सर पे वो रोज़ा है, सबसे ताकतवर हथियार जो शैतान को जेर व ज़बर कर देता है वो रोज़ा है।